नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कुछ आपको नया लग रहा होगा क्योंकि मैं केसी साहू सर के स्टूडियो में हूं। यहां पर आज वीडियो बनाने के यहां पे प्रैक्टिस करने वाला हूं, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने वाला हूं कि यदि हम इस प्रकार से नए तरीके से पढ़ते हैं तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, किस प्रकार से पढ़ना है कि पुराने तरीके से पढ़ना है, वो सब आप कमेंट करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा आपको कुछ नया लग रहा है तो इसका कमेंट आप जरूर करेंगे। तो चलिए, आज का जो स्टोरी है जो ट्रांसलेशन करने वाले हैं उसका टाइटल है कीपिंग द रूट्स स्ट्रांग। यहाँ पे आपको शॉर्ट में स्ट्रांग लिखा हुआ है, जगह की कमी के कारण वहां पे स्पेलिंग थोड़ा हाफ दिख रहा हो आपको। कीपिंग द रूट्स स्ट्रांग, अब यहाँ पे कीपिंग यानी होता है रखना, रूट्स यानी होता है जड़ों को, स्ट्रांग यानी मजबूत, यानी जड़ों को मजबूत रखना। अब ये टाइटल ऐसे क्यों दिया गया स्टोरी में आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको पता है जब भी हम स्टोरी ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको बहुत सारे नए नए वोकैबुलरी आपको मिलते हैं, वर्ड्स मीनिंग आपको जानने को मिलते हैं, सही प्रोनंसिएशन उच्चारण आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रामर, कौन से ग्रामर है, वर्ब्स के कौन से फॉर्म है, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिलती है। इसलिए स्टोरी एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है अंग्रेजी सीखने का, और ज्यादातर यहाँ पे पास्ट टेंस की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो स्टोरी का मजा अलग होता है और सीखने का मजा अलग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको टाइटल बता ही दिया है और एक बार मैं आपको पढ़ूंगा एक लाइन जैसे फुल स्टॉप तक के, वहां पे रीड करके बताऊंगा, उसके बाद एक एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे, ग्रामर सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे सेंटेंस को मैं रीड करके बताता हूँ आपको। Once upon a time, there were two neighbors living next to each other. यहां तक रीड कर लिए, अब एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं। Once upon a time, तो ये स्टोरी आपने सुना, हर बार आपको पता है इसका मतलब होता है एक बार की बात है। There were, अब यहां पे there यानी वैसे तो वहां होता है, लेकिन यदि स्टार्टिंग में there आपको मिल रहा है तो आपका इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है, यानी कि केवल ये आपको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। देयर यानी वहां नहीं बोलेंगे, वहां थे ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। वर यानी थे, क्योंकि दो लोग हैं, प्लूरल है, बहुवचन है, तो वॉज का यूज नहीं होगा, वर का यूज होगा। देयर वर थे टू नेबर्स, दो पड़ोसी रहते थे लिविंग नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट यानी होता है आमने सामने, ठीक है, आमने सामने दो पड़ोसी रहते थे। वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक, was यानी था, क्योंकि एक है तो was का यूज होगा, दो है तो were का यूज होता है, ये तो बहुत इजी है। A retired teacher, retired का मतलब क्या होता है, सेवानिवृत्त, यदि शुद्ध हिंदी में आप जाने, जो जिसका जॉब का टाइम कंप्लीट हो गया, जैसे टीचिंग वगैरह में टीचर्स है 62 साल हो गया तो वो रिटायर्ड कहते हैं, तो सेवानिवृत्त शिक्षक थे, सॉरी। एंड अनदर was, अनदर यानी दूसरा, जो अन्य बोलते हैं, दूसरा was यानी था, एन यानी एक इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि एन का यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि ई निकल रहा है, ये नहीं देखेंगे कि ए ई आई ओ यू का यूज हो रहा है, ये नियम बिल्कुल भी गलत है, आप उस पर उसका अलग से वीडियो में बनाया हूं। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी स्वर है ना, आ आ ई ई, ये निकल रहा है कि नहीं, तो ई, यदि ई निकल रहा है तो यहाँ पे इसलिए एन का यूज किया गया, तो ये आर्टिकल आपको पता है ए एन द का यूज करते हैं। तो एक क्या था, इंश्योरेंस एजेंट, ये तो आपको पता है जो जीवन बीमा वगैरह होता है वो एजेंट यानी प्रतिनिधि भी होता है। Who had a lot of interest in technology? Who had यानी किसी के पास कुछ चीज था, तो हम had का यूज करते हैं। Who had, जिसे था, a lot of interest, lot of यानी होता है बहुत ज्यादा, interest का मतलब होता है रुचि, जिसे बहुत ज्यादा रुचि थी इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी, पता है जैसे मोबाइल हो गया, आपको कैमरा वैमरा, टेक्नोलॉजी में जिनको रुचि थी वो थे, एक टीचर हो गया और एक एजेंट हो गया। क्लियर है स्टोरी, आप समझते जाएंगे और टेंस वगैरह भी बताते जाऊंगा। बोथ ऑफ देम, वे दोनों हैड प्लांटेड, अब यहाँ पे आपको अभी एक बार मैंने बताया हैड का मतलब क्या होता है, किसी के पास कुछ चीज था, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था, आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल थी, बट यदि हैड के साथ आपको वर्ब दिखता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाना चाहिए, यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, वहां पर उसका मीनिंग कैसे निकलता है, उसका वाक्य कैसे बनते हैं, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। जैसे I had, वहां पे जैसे लिखा हुआ है कि I had eaten, मैंने खाया था, I had eaten a mango, मैंने एक आम खाया था या खा चुका था, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा, both of them यानी वे दोनों had planted, प्लांट किया था, दोनों ने प्लांट किया था, प्लांट यानी क्या होता है, जैसे बोना बोलते हैं, लगाना पौधों को, उसे प्लांटेड कहते हैं, तो उन्होंने लगाया था। डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पौधों को उन्होंने लगाया था वहां पे, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, सॉरी, हाँ, इन देयर गार्डन, इन यानी में, देयर यानी उनके
वैसे देयर यानी अपने के लिए भी यूज करते, अपने या उनके दोनों के लिए यूज करते, गार्डन, गार्डन ने बगीचा, तो अपने बगीचे में दोनों ने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स लगाए थे। अब देखते हैं, द रिटायर्ड टीचर वॉज गिविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉटर टू हिज प्लांट्स। यहां तक एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। द रिटायर्ड टीचर यानी जो टीचर थे, सेवानिवृत्त टीचर थे, वॉज गिविंग है ना, वो देते थे, क्या दिए, अ स्मॉल अमाउंट यानी छोटे अमाउंट में, अमाउंट यानी होता है मात्रा, यानी बहुत ही कम मात्रा में क्या देते थे, पानी देते थे। टू किसे देते थे, कहां जाते थे, क्या है, तो प्रोपोजिशन टू का यूज करते हैं। हिज प्लांट्स अपने पौधों को, यानी अपने पौधों को एक एकदम कम मात्रा में पानी देते, जितनी जरूरत है उतनी। एंड डिडंट ऑलवेज गिव अ फुल अटेंशन टू देम, और didn't क्या है, did not, जब हम past indefinite tense में negative sentence बनाते हैं तो did not का use करते हैं, did use करते हैं और not लगा देते, केवल not नहीं लगाएंगे, तो उसी को short में didn't बोलते हैं, जैसे doesn't है ना, don't, ये सब short form होते हैं। तो नहीं देता था, always यानी हमेशा, give यानी होता देना, तो हमेशा क्या नहीं देता था, a full attention है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान, पूरा ध्यान नहीं देता था पौधों के, थोड़ा सा पानी देता था, जितनी जरूरत है बस, यानी बहुत ज्यादा उसके पीछे पागल नहीं रहता था। टू देम यानी उनका, किनका, उन पौधों का। वाइल यानी दो तीन, मतलब वाइल यानी के दौरान, जबकि बहुत सारा मतलब, जबकि द अदर नेबर, दूसरा जो पड़ोसी था जिसे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा वो था, जो एजेंट था, वो क्या करता था, इंटरेस्टेड यानी उसे रुचि थी बहुत ज्यादा है ना इन टेक्नोलॉजी, ये तो आपको पता चल गया, इसे मैंने पहले ही बताया स्टोरी में कि उसे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी रुचि थी, वो क्या करता था, Had given, यहां पर भी आप देखेंगे had के साथ give का थर्ड फॉर्म, give, gave, given थर्ड फॉर्म मिल रहा है, तो आपको बता चुका मैं, had के साथ यदि थर्ड फॉर्म है verb का तो past perfect है, दिया था, लिया था, चुका था, तो उसने क्या दिया था, a lot of water, बहुत ज्यादा पानी देता था, ठीक है, दिया था to his plants, अपने पौधों को, यहां तक क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा पौधों को पानी दिया था, बहुत ज्यादा, वो कम देता था, ये ज्यादा दिया था। एंड और Looked after them too well. Looked after का मतलब क्या होता है, किसी की देखभाल करना, उसे हम look after कहते हैं। Looked after क्यों लिखा है, देखभाल किया करता था, past tense है, तो वो आपका second form look का looked हो गया, तो उनका देखभाल किया करता था। Too well यानी बहुत ही अच्छे तरीके से, well यानी कुआ भी होता है, well यानी अच्छा भी होता है, too यानी बहुत भी होता है, too यानी भी होता है, आपको बहुत सारा मीनिंग मिलेगा। तो क्लियर है यहां तक का जो फर्स्ट पेज है, तो आपको स्टोरी में समझ आया क्या क्या करते थे, एक बहुत ज्यादा पानी देता था, एक कम पानी देता था, एक बहुत ज्यादा ध्यान देता था, और जो टीचर थे वो नॉर्मल ध्यान देते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम, चलिए यहाँ पे, द रिटायर्ड टीचर्स प्लांट्स वर सिंपल बट लुक गुड। अब यहाँ पे द रिटायर्ड टीचर्स, यहाँ पे आपको देखिए टीचर्स, आप बोलेंगे सर एक टीचर है, टीचर्स क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर कॉमा लगा हुआ है, इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं, इसका मतलब का की के, ठीक है, यदि कॉमन ही लगता तो टीचर्स, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हो जाते, रिटायर्ड टीचर्स यानी जो सेवानिवृत्त शिक्षक का, तो का के की, उसका जो प्लांट थे, पौधे थे, वर यानी थे, सिंपल एकदम साधारण थे, यानी कोई एकदम विशेष तरीके से नहीं दिखते थे, सिंपल थे, बट लुक्ड गुड, अच्छे दिखते थे, दिखते थे क्यों बोल रहा हूं मैं, लुक्ड, यहाँ पे लुक्स आता ना, यदि लुक्स या फिर लुक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आता, ता है, ती है, लेकिन ता था, ते थे, वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, वहां पे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, लुक्ड गुड, अच्छे दिखते थे, यही होता, अच्छे दिखते हैं तो लुक्स गुड हो जाता, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आपको, तो ठीक है, उसका सिंपल था लेकिन ठीक दिखते थे, अच्छे दिखते थे। द इंश्योरेंस एजेंट्स, यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी यानी का की के, तो जो इंश्योरेंस एजेंट का प्लांट्स, उसके जो पौधे थे, वर यानी थे, मच यानी ज्यादा, फुलर यानी होता है बहुत ही भरे हुए, एंड ग्रीनर हरे भरे, बहुत ही भरे भरे हरे हरे भरे थे। वन डे एक साथ है, वन डे एक दिन, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग यानी होता है के दौरान, उसे हम ड्यूरिंग बोलते हैं, द नाइट तो रात के दौरान, एक दिन रात के दौरान, देयर वॉज अ हेवी रेन, देयर वॉज, यहां पर भी देयर यानी वहां था, ऐसे नहीं होगा, ये भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया जिसे मैंने बताया इंट्रोडक्टिव वर्ड, तो था क्या था, हेवी रेन यानी बहुत ज्यादा भारी भारी बारिश थी, बहुत भारी बारिश हो रही थी, एंड अ विंड ड्यू टू अ माइनर स्टॉर्म, और बहुत हवा चल रही थी जो कि माइनर स्टॉर्म यानी क्या होता है, छोटी आंधी, माइनर यानी छोटी, स्टॉर्म यानी होती आंधी, तो एक छोटी आंधी चली रात को। नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह,
बोथ ऑफ द नेबर्स, बोथ ऑफ यानी वे दोनों, दोनों को बोथ बोलते हैं, दोनों पड़ोसी केम आउट, बाहर आए, आउट यानी बाहर, केम यानी आए। कम आउट क्यों नहीं लिखा हुआ है, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कम आउट बोलते बाहर आता है, लेकिन केम, कम, केम, कम, तो कम का फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, सेकेंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म भी कम होता है, तो कई बार धोखा हो जाता है हेड के साथ जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट बनाते हैं तो बोलते हैं सर फर्स्ट फॉर्म लिखा, नहीं कम का फर्स्ट एंड थर्ड कम ही होता है, इसलिए सेकेंड फॉर्म को यूज किया गया है। तो पड़ोसी बाहर आए, टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट यानी क्या था, निरीक्षण करने के लिए, द डैमेज टू देयर गार्डन, डैमेज यानी जो भी उसकी कमी हो गई है, जो भी मतलब बोल सकते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसे डैमेज कहते हैं, तो अपने गार्डन का नुकसान देखने के लिए बाहर आए। द नेबर हु वॉज एन इंश्योरेंस एजेंट, जो इंश्योरेंस एजेंट था वो पड़ोसी, सॉ, देखा, यहां पर भी सॉ का यूज क्यों किया, पता चल गया देखा बोल रहा हूं मैं, देखता है तो सीज हो जाता है, दैट, देखा कि, दैट यानी वह भी होता है, जो भी होता है, की भी होता है, देखा कि हिज प्लांट्स, उसका पौधा या उसके पौधे केम ऑफ फ्रॉम द रूट्स, केम ऑफ फ्रॉम द रूट्स यानी जड़ से निकल गए, केम ऑफ यानी तो बाहर निकलना, बाहर आ जाना, तो जड़ से बाहर निकल गए, एंड वर टोटली डिस्ट्रॉयड, और वर यानी हो गए थे, टोटली यानी पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से तहस नहस हो जाना, डिस्ट्रॉय कर दूंगा वो होता है, तो यहां पर भी सेकेंड फॉर्म को यूज किया गया। आपको ज्यादातर पास्ट में आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, बट लेकिन द रिटायर्ड टीचर्स प्लांट्स, जो टीचर थे, शिक्षक थे, वर नॉट यानी नहीं हुए थे डैमेज्ड, वो तहस नहस नहीं हुए थे, नुकसान नहीं हुआ था एट ऑल, एट ऑल का मतलब था बिल्कुल भी। अब सोचिए जो बहुत ज्यादा पानी दे रहा था, जो इंश्योरेंस एजेंट वाला था, बहुत ज्यादा देखभाल करता था, बहुत ज्यादा पानी देता था, जितना चाहिए दे रहा है, उसका पूरा तहस नहस हो गया, और जो बिल्कुल थोड़ा सा पानी देता था जिंदा रहने के लिए पौधे का, और ध्यान नहीं देते थे बहुत ज्यादा, बस केयर करते थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, वो टीचर, तो टीचर का पौधा जिसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ज्यादा पानी नहीं दिया जाता था, वो कुछ नहीं हुआ, बट जो बहुत ध्यान देता था वो डैमेज हो गया। ऐसे क्यों हुआ, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं, वहां पे शायद यहाँ थोड़ा ब्लर है, वहां पे क्लियर दिख रहा होगा, चलिए देखते हैं। एंड वर स्टैंडिंग फर्म, फर्म यानी होता है दृढ़ता से, है ना, उसे बोलते हैं फर्म, मजबूती से फर्म बोलते हैं, और बहुत ही मजबूती से खड़े हुए थे। द इंश्योरेंस एजेंट नेबर वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गया था, टू सी इट, टू सी यानी देखकर, इट यानी उसे, उसे भी होता है इसे भी होता है, ऐसा देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है, मेरा पौधा, मेरा जो प्लांट है वो कैसे नष्ट हो गया। He went to the retired teacher, went, went यानी गया, ये भी आपको पता चल गया, go went gone, तो हम वो आपका सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। किसके पास गया, टू, किसी के पास गया, टू प्रीपोजिशन यूज, प्रीपोजिशन के यूज किया, रिटायर्ड टीचर के पास गया, एंड आस्क्ड, और पूछा। आस्क्ड का दो यूज होता है, एक आस्क्ड यानी होता है किसी से हम कुछ चीज करने के लिए कहते हैं या किसी से पूछते हैं, तो वहां पर भी आस्क यूज होता है, आप ये करो, आप वो करो, या फिर किसी से कुछ पूछते हैं तो भी आस्क का यूज होता है। अब यहां पर देखिए पूछ रहा है कि नहीं, और पूछा। वी बोथ ग्रीव द सेम प्लांट, वी बोथ यानी हम दोनों ने ही, ग्रीव उगाया, ग्रीव क्यों लिखा हुआ, ग्रो यानी उगाना होता है, समझ गया आप, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। तो हम दोनों ने उगाया द सेम प्लांट, बिल्कुल वही पौधा, मान के चलिए जैसे गुलाब का लगाया तो दोनों ने गुलाब का लगाया, तो सेम है ना, वही पौधा लगाया, टुगेदर यानी एक साथ। आई एक्चुअली लुक आफ्टर माई प्लांट्स बेटर देन यू, आई एक्चुअली, एक्चुअली यानी तो वास्तव में, है ना, वास्तव में मैंने क्या किया, लुकड आफ्टर, देखभाल की है माई प्लांट्स, मेरे पौधों की, बेटर, बेटर देन यू यानी आपसे अच्छा, बेटर यानी अच्छा होता है, देन का यूज हम कब करते हैं, ये वाला देन, THEN देन नहीं है, वो देन यानी होता है तब, फिर, लेकिन ये देन जब कंपेयर करते दो लोगों में तब हम वहां पे देन का यूज करते हैं, जैसे रामू इज टॉलर देन श्याम, है ना, तो रामू श्यामू से लंबा है, तो वहां पे आप देखेंगे देन का यूज होता है। तो ये वो बोल रहा है कि मैंने आपसे ज्यादा ध्यान दिया था। डिड फॉर योर्स, डिड यानी किया, फॉर योर्स यानी तुमसे, तुम्हारी तुलना में ज्यादा अच्छा मैंने ध्यान दिया। एंड इवन, इवन यानी भी, अक्सर बहुत सारा मतलब होता है, गेव देम मोर वाटर, और यहां तक कि मैंने ज्यादा पानी दिया, देखभाल भी ज्यादा किया आपसे और ज्यादा पानी भी दिया, स्टिल यानी अभी तक, माई प्लांट्स केम ऑफ फ्रॉम द रूट्स, है ना, फिर भी मेरे प्लांट्स क्या हो गए, जड़ से निकल गए। वाइल, जबकि योर्स, योर्स यानी तुम्हारे, डिडंट, डिडंट नहीं हुए, नहीं निकले भाई, तुम्हारे पौधे वैसे के वैसे है। हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ यानी कैसे, इज यानी है, दैट यानी वह, पॉसिबल यानी संभव, वो कैसे संभव है।
ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं, इंटरेस्टिंग है कि भाई ऐसे कैसे संभव हो सकता है, जिसका इतना ध्यान दे रहे वो उखड़ गया, ये क्यों नहीं उखड़ा, इसके पीछे का रीजन क्या है। बस दो पेज बचा हुआ, दो क्या है, हाफ हाफ है। द रिटायर्ड टीचर स्माइल्ड एंड सेड, तो जो शिक्षक थे स्माइल मुस्कुराए, है ना, मुस्कुराए। फिर यहां पर स्माइल का सेकंड फॉर्म स्माइल, सेड। अब ये सेड किसका सेकंड फॉर्म होता है, से का। यदि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता सेज, ऐसे होता सेज, क्योंकि थर्ड पर्सन है, और सेड उसका सेकंड फॉर्म होता है। तो कहा, मुस्कुराए और कहा, यू गेव योर प्लांट्स मोर अटेंशन एंड वॉटर, तुमने दिया, गेव यानी दिया, गिव गिवन, तुमने दिया अपने प्लांट्स को, पौधों को, मोर अटेंशन यानी ज्यादा ध्यान दिया, एंड वॉटर, ज्यादा ध्यान और ज्यादा पानी दिया, बट लेकिन बिकॉज ऑफ दैट यानी उसके कारण, है ना, उसके कारण, दे डिडंट नीड टू वर्क themselves, दे डिडंट नीड, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं थी, themselves यानी उन्हें खुद में, यानी उन्हें अपने आप मिल जा रहा है। जैसे होता ना कि जैसे बहुत पैसे वाले का बच्चा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा, सब चीज अपने आप आते हैं, अपने आप, वैसे इन्हें अपने आप मिल जा रहा था, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा था, पानी चाहिए वहीं से पानी मिल जा रहा है, ठीक है। फॉर इट यानी उसके लिए, यू मेड इट इजी, तुमने उसे आसान कर दिया, मेड यानी किया, तुमने उसे आसान कर दिया, फॉर देम उनके लिए, जो चाहिए मिल जा रहा है। व्हाइल जबकि, आई गेव देम जस्ट एन एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर, मैंने दिया देम यानी उन्हें जस्ट सिर्फ एन एडुकेट, सॉरी एडुकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा, उसे हम एडुकेट कहते हैं, अमाउंट मात्रा ऑफ वाटर, जबकि मैंने पर्याप्त मतलब केवल पर्याप्त मात्रा में पानी दिया, जितना चाहिए था उतना ही मैंने पानी दिया। एंड लेट देयर रूट सर्च फॉर मोर, लेट लेट यानी किसी को करने देना, जाने देना, लेट का यूज करते हैं, और क्या करने दिया, देयर रूट्स उनके जड़ों को सर्च खोजने में, फॉर मोर और ज्यादा, यानी मैंने थोड़ा सा पानी दिया जिंदा रहने के लिए और छोड़ दिया, उसके बाकी जड़ क्या किया, बाकी पानी खोजने के उसके जड़ इधर उधर फैलते गए कि भाई और कहां से पानी मिलेगा, और कहां से पानी मिलेगा, तो उसके जड़ फैलते गए, जबकि पहले वाले का जड़ आपको पता है उसको वहीं से पानी मिल जा रहा है, तो जड़ों को फैलने की जरूरत है ही नहीं, उसको बैठे बैठे मिल जा रहा है, इसको पानी कम मिल रहा था, थोड़ा सा मिल रहा था, तो ये खोजने के लिए इसका जो पौधा था इधर उधर जड़ को फैलाते गया, ठीक है, ये उसका रीजन है। एंड और बिकॉज ऑफ दैट यानी इसलिए, ऐसे मतलब होता है, इतना लंबा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट इसलिए, देयर रूट्स उनकी जड़ें वेंट डीपर एंड दैट, वेंट डीपर यानी बहुत गहरे हो गए, वेंट बहुत गहरे हो गए, डीपर एंड गहरे, एंड दैट और उसने मेड किया देयर पोजिशन स्ट्रॉन्गर, उसके स्थिति को मजबूत कर दिया। सीधी सी बात, जितना ज्यादा जड़ फैलेगा उतना ज्यादा अच्छी पकड़ रहेगी, उतना ज्यादा मजबूत रहेगा, आपके दो हाथ में पकड़ है, आपके चार हाथ की पकड़ ज्यादा रहेगी, सीधी सी बात है, तो बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। दैट इज वाई, इसलिए माई प्लांट सर्वाइव, मेरे जो पौधे थे, सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जिंदा रह जाना, जीवित रह गए, बच गए, सर्वाइव करना बोलते हैं, इसलिए मेरे प्लांट क्या हो गए, जीवित रह गए, बच गए। अब इसका मोरल क्या मिलता है, देखिए फिर आपकी स्टोरी एंड हो जाएगी। मोरल, मोरल है शिक्षा, इस स्टोरी से आपको शिक्षा क्या मिली। दिस स्टोरी इज अबाउट पेरेंटिंग, ये कहानी है अबाउट यानी होता है के बारे में, अबाउट यू आपके बारे में, अबाउट मी मेरे बारे में, अबाउट माई फादर मेरे पिताजी के बारे में, तो अबाउट यानी होता है के बारे में। तो पेरेंटिंग यानी होता है पालन पोषण, तो ये स्टोरी पालन पोषण के बारे में है। वेयर, वेयर यानी जहां भी होता है, कहां भी होता है, जहां चिल्ड्रन आर लाइक प्लांट, चिल्ड्रन बच्चे, आर यानी है लाइक यानी जैसे, प्लांट्स यानी पौधों के, जहां पे बच्चे पौधों के जैसे, आप यदि पालक हैं तो आपके छोटे जो बच्चे ना पौधों के जैसे हैं। इफ एवरीथिंग, यदि सब कुछ इज यानी है गिवन टू देम, यदि उन्हें सब कुछ मिल जाता है, आपके द्वारा सबको दिया जाता है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, दे यानी वे विल, गागी गे फ्यूचर टेंस का है, तो नॉट यानी नहीं, वे नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड यानी समझना, तो वे नहीं समझेंगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, वे नहीं समझेंगे। द हार्ड वर्क इट टेक्स टू अर्न, जो कड़ी मेहनत होती है, इट टेक्स यानी लेती है, टू अर्न कमाने में, यानी कमाने के लिए जो कड़ी मेहनत हमें लगती है वो नहीं समझ पाएंगे। दोज थिंग्स यानी उन चीजों को, भाई सीधी सी बात है, मोबाइल दे दिए, नया बाइक मांग रहे, बाइक दे दिए, साइकिल जो मांग रहे देते जा रहे, तो उन्हें ये नहीं पता चलता, उन्हें लगता है कि बहुत ही आसानी से पैसा मिल जाता है, और आसानी से मिल जाता है, उन्हें उस काम करने के लिए कहिए कुछ, या फिर पैसा जमा करने के लिए कहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि बड़ी मुश्किल से अर्न किया जाता है। तो वही वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि उन चीजों को लेने के लिए कितनी कड़ी मेहनत चाहिए वो नहीं मिलता है। दे विल नॉट लर्न, वे नहीं सीखेंगे, विल नॉट निगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का, लर्न यानी सीखना, वे नहीं सीखेंगे, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। टू वर्क देमसेल्फ यानी खुद से काम करना, एंड रिस्पेक्ट इट और उसका सम्मान करना, काम का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, काम करना भी नहीं सीखेंगे। समटाइम कई बार
इट्स बेस्ट, ये अच्छा है, टू गाइड देम, गाइड यानी उन्हें मार्गदर्शन करना, बताना कि भाई ऐसे ऐसे करो, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम, इंस्टेड यानी होता है के बजाय, इसके बजाय गिविंग देम यानी उन्हें देने के बजाय केवल उन्हें मार्गदर्शन करना, आप मार्गदर्शन कीजिए, आप उसे जॉब लगाना है पैसे देके जॉब मत लगाइए, आप उसे बताइए कि आपको क्या क्या करना है, जॉब कैसे मिलेगी, मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन आप उसे एकदम पूरा पका पका चीज मत दीजिए, ठीक है, कुछ भी काम करने के लिए। तो वही लिखा गया है, आप उन्हें गाइड कीजिए उन्हें कुछ देने के बजाय, मार्गदर्शन कीजिए ना कि डायरेक्ट उसे दे दीजिए, कैसे कमाना है कैसे करना है वो सिखाइए, डायरेक्ट मत दीजिए। टीच देम, उन्हें सिखाइए हाउ टू वॉक, कैसे चलते हैं, ठीक है, वॉक वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, एल यहाँ पे ये जो एल लिखा हुआ है वो आपका साइलेंट लेटर होता है, बहुत से साइलेंट लेटर होते हैं, उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, वॉक कैसे चलते हैं। बट लेट देम फॉलो देयर पाथ, लेट देम उन्हें फॉलो यानी अनुसरण करने दो, पीछा करने दो, देयर यानी उनका, पाथ यानी क्या होता है मार्ग रास्ता, तो वही बोले कि आप उन्हें चलना सिखाइए, लेकिन उस आप उसके जो मार्ग है ना उसे फॉलो करना सीखे, उन्हें फॉलो करने दीजिए मार्ग को, बस आप उसे चलना सिखा दीजिए, बाकी अपनी राह उन्हें खुद ही चुनने दीजिए। तो इस प्रकार से आपको स्टोरी में क्या सीखने को मिली कि भाई वही बात है कि आपको बहुत ज्यादा किसी का केयर करने की जरूरत नहीं है, उससे क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा केयर करोगे, बहुत ज्यादा आप उसका देखभाल कर रहे हो, हर चीज ला के दे रहे हो, तो वो अपने आप से कुछ नहीं कर पाएगा, पूरा पूरी तरीके से आप पर निर्भर हो जाएगा, समाज पर निर्भर हो जाएगा और खुद से कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो फिर उन्हें सिखाइए लेकिन उन्हें पंगू मत बनाइए, ये स्टोरी का मोरल था। यदि आज की स्टोरी पसंद आई हो और सर के स्टूडियो में जो आपको वीडियो यदि पसंद आई हो, सर की वीडियो का लिंक भी नीचे दे दूंगा, मैथ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं सर का, और बहुत सारे चैनल्स हैं सबकी लिंक आपको दे दूंगा, मैथ जिन्हें सीखना है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आपको सीखने को मिलेगा, और जिन्हें इंग्लिश सीखनी है वो जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में, उसे फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे और भी प्रोवाइड करते रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रकार की वीडियो आपको और भी चाहिए कि नहीं, यदि चाहिए होगा तो भगवान कृपा रही तो हम भी आप डिजिटल बोर्ड में आपको इस प्रकार से वीडियो बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।